देश भर में चल रहे किसान आंदोलन के बीच गहलोत सरकार ने अन्नदाताओं को बड़ी राहत देने का ऐलान किया है। किसान संगठनों की ओर से मंगलवार को बुलाए गए भारत बंद की पूर्ण संध्या पर गहलोत सरकार ने अहम फैसला करते हुए प्रदेश में डार्क जोन से ट्यूबवेल और कुएं खोदने पर लगी रोक को हटाने का फैसला किया है। अब प्रदेश भर में किसानों और आम लोग सहित 5 कैटेगरी में ट्यूबवेल के लिए किसी तरह की अनुमति लेने की जरूरत नहीं होगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में सोमवार को हुई कैबिनेट और मंत्रिपरिषद की बैठक में यह निर्णय लिया गया है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने सीएम के पास डार्क जोन में ट्यूबवेल पर रोक हटाने तथा डार्क जोन में कृषि कनेक्शन जारी करने और ब्लॉक स्तर तक प्रभावी जन सुनवाई का तंत्र विकसित करने के प्रस्ताव भिजवाए थे। कैबिनेट की बैठक में दोनों प्रस्तावों पर फैसला हो गया है। इसके बाद अब पेयजल और घरेलू उपयोग के लिए ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में व्यक्तिगत घरेलू उपभोक्ता ग्रामीण पेयजल आपूर्ति योजनाओं सशस्त्र बलों के प्रतिष्ठानों कृषि कार्यकलापों और 10 घन मीटर प्रतिदिन से कम भूजल निकासी करने वाले सक्षम और लघु उद्योग को भूजल निकासी के लिए एनओसी नहीं लेनी होगी। इसके बाबत जल्द ही आदेश जारी कर दिए जाएंगे। कैबिनेट में जिला ब्लॉक और क्लस्टर स्तर पर जन सुनवाई का 3-tier सिस्टम विकसित करने का फैसला किया गया है। इसके तहत पहले और तीसरे बुधवार को 10-10 गांवों में क्लस्टर में विधायक प्रधान और स्थानीय अफसर जन सुनवाई करेंगे। इस क्लस्टर में 2 माह में सुनवाई अनिवार्य होगी। उपखंड स्तर पर हर माह के 4th गुरुवार को सुनवाई होगी। जिला स्तर पर महीने के 2nd गुरुवार को सुनवाई होगी। जिला स्तर की जन सुनवाई में संभागीय आयुक्त विधायक और मंत्री रहेंगे।